स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। 18 जून की रात करीबन 8 बजे धन सिंह पिता बद्री विशाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जल्हार थाना मानधाता को धन सिंह के मामा के लड़के सूर सिंह पिता कन्हैया भूरिया उम्र 48 साल निवासी जल्हार ने पेट में गोली मार दी थी, जिसे परिजनों द्वारा घायल अवस्था में सनावद अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से डॉक्टर द्वारा इंदौर रेफर किया गया था। फरियादी निर्मल पिता राजा राम भूरिया निवासी जल्हार की रिपोर्ट पर से थाना मानधाता पर अपराध क्रमांक 257/2024 धारा 307 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इंदौर में ट्रॉमा अस्पताल में इलाज के दौरान दिनांक 21 जून को धन सिंह मिश्रा की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा 302 भादवी बढ़ाई गई थी। आरोपी सुर सिंह भूरिया घटना दिनांक से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय द्वारा 10,000 रुपए के इनाम की उद्घोषणा की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी और अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग मूंदी रविंद्र बोयट के निर्देशन में थाना प्रभारी अनोख सिंह सिंधिया फरार आरोपी सुर सिंह की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर फरार आरोपी सुर सिंह पिता का नया भूरिया निवासी जलहार की तलाश लगातार टीम लगी हुई है। दिनांक 1 सितंबर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि धन सिंह मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी सुर सिंह ग्राम कोठी से पैदल पैदल पगडंडी रास्ते से अपने घर जल्हार जा रहा था। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह सिंधिया, उप निरीक्षक रामदास यादव, सह उप निरीक्षक मनोज खोड़े प्रआर 147, भगवान धनगर प्रआर 342, राकेश अवासी आरक्षक 619, संतोष सात, जितेंद्र 640, गुणाकेश मैं टीम के पहुंचे और ग्राम जल्हार सरकारी स्कूल के पहले आरोपी सुर सिंह पिता कन्हैया उम्र 48 साल निवासी जल्हार को घेराबंदी कर पकड़ा जाकर गिरफ्तार किया गया और आरोपी से पूछताछ करके उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नाल भरमार बंदूक और छर्रे में बारूद के डिब्बे जल्हार जंगल में छपरी के छिपाना बताने पर दिनांक 2 सितंबर को आरोपी की निशादेही से जल्हार जंगल से उक्त वेपन और सामग्री जब्त की गई। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।